जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दामोह कलेक्टर नीरज कुमार जी की, जो कि आज सुबह करीब 8 बजे दामोह जिला मुख्यालय में 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर हटा पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल का हटा का औचक निरीक्षण कर यहां व्यवस्थाओं का जायजा किया और आसपास में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, बाउंड्री वॉल आदि निर्माणों के निर्देश दिए। साथ ही यहाँ पदस्थ अमले से वेस्ट मैनेजमेंट सुधारने के लिए भी निर्देश दिए। दमोह से हटा तक करीब 40 किलोमीटर मैं आया हूँ साइकिल से। देखिए, मेरे लिए तो मुझे निरीक्षण करना रहता है, तो फिर इसके साथ साथ सेहत भी आवश्यक है, इसलिए मैं साइकिल से निकलता हूँ और सुबह सुबह के मौसम में स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अभी तक सर आपने निरीक्षण किया हटा अस्पताल का और अचानक से ऐसे औचक निरीक्षण किया, क्या पाया सर आपने? देखिए, अस्पताल में सिर्फ बिल्डिंग होने से या फिर अन्य सुविधाएं होने से बहुत कुछ समस्याएं सॉल्व नहीं हो सकती हैं। डॉक्टर्स की आवश्यकता हमेशा रहती है और ये भी देखा गया कि डॉक्टर्स की कमी लगभग हर जगह पर सरकारी अस्पतालों में है। इसमें जो नए डॉक्टर्स कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको आवश्यक है कि वो आके कोशिश करें कि सरकारी अस्पतालों को ज्वाइन करें और शासन को सेवाएं दें। हटा सिविल अस्पताल का आपने निरीक्षण किया है, लंबे समय से यहाँ पर महिला चिकित्सक नहीं है, तो सर क्या प्रयास हो पाएंगे, कब तक महिला चिकित्सक हो पाएंगे? देखिए, शासन की तो वॉक इन इंटरव्यू की पॉलिसी है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आके हटा अस्पताल में अपनी सेवाएं देना चाहता है तो फिर मोस्ट वेलकम है। हम बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं प्रोवाइड करने को और पूर्ण सुरक्षा प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। चलो चलो करो।